अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल एयर स्मार्ट चैनल। सो जनाब, कैसे हैं आप सब? टुडे आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड आल्सो दिस, ठीक है। और आज जो है ना, मेरे दो सब्सक्राइबर्स के बर्थडे है। एक का नाम है आयशा महनूर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ आपके नसीब में लिखी जाएँ, आमीन सुम आमीन। और दूसरी हैं जी जैस। जैस ने कहा है कि मेरे लिए ब्लैक ग्रेनी की क्रमलिंग करनी है, तो ब्लैक ग्रेनी क्या, मैं सारे टेक्सचर्स की क्रमलिंग करूँगी। बस जो जो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, इंशाल्लाह मैं ये वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो क्रमलिंग करूँगी, ठीक है। आप लोग ये देखना, ये वाला टेक्सचर है एक, ये ग्रीटी चारकोल वाला टेक्सचर है, ठीक है। उसके अलावा मैंने वो ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई ओल्ड ग्रे कंक्रीट की जब भी आपने क्रमलिंग करनी है, आपने मुझे डेडिकेट करना है, ठीक है। उसके अलावा वो प्योर ग्रीटी स्टोन्स हैं, ठीक है, ब्लैक ग्रीटी स्टोन्स कह लें, ठीक है। और उसके अलावा ग्रे कंक्रीट, उसके अलावा मैंने सोचा है कि हाँ ग्रीटी मड की फ्लोर क्रमलिंग अगर तो पॉसिबल हुआ, धूप अगर कम हुई। हाँ, आज ग्रे कंक्रीट का भी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी बर्थडे है तो ग्रे कंक्रीट की भी जो है ना वो फोटर क्रमलिंग करते हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, मैं पहले नहीं बता रही, क्योंकि पहले ही बता दो ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैंने ये देखें, ये तीन टेक्सचर्स हैं, इनमें से मैंने सोचा था कि जगह छोड़ के ना तो दूर दूर वाले टेक्सचर्स पहले क्रम्बल कर लेते हैं, फिर हम जो है ना इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता, फिर कभी ये कर लिया, फिर इसको बन गया तो फिर ये कर लिया, इस तरह से करूँगी ताकि छत पे खलारा ना पड़े। यहाँ पे भी जो वीडियोस हैं ना, यहाँ पे अब देखती हूँ कि ये वाली वीडियो आराम से रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसको सेटअप आराम से लगा हुआ है। बाकी को मैंने खुद ज़मीन पे सेटअप लगाया है क्योंकि साथ मिक्स हो जाने थे। सो स्टे कनेक्ट विद मी। ट्राईपॉड पकड़ते हैं भाई। आप लोग पूछते हैं कि बिहाइंड द सीन दिखाओ राबिया, बिहाइंड द सीन क्या है, मोबाइल कैसे सेट करते हैं सारा कुछ। तो जनाब मोबाइल कैसे सेट करते हैं, ट्राईपॉड पकड़ते हैं, ठीक है। और पहले ये वाली वीडियो नहीं, वो वाली ब्लैक वाली वीडियो, क्या वाली काट ली है, चलो ये वाली काट लेने हैं, ठीक है। पहले इसके ऊपर जो है ना यूँ ट्राईपॉड रख के ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसको कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे बैठ जाना है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी, ठीक है। माइक वगैरह मैं कोई यूज़ नहीं करती, ठीक है। मोबाइल आप लोग पूछते हो कौन सा है कौन सा है कौन सा है, तो ये आईफोन 7 प्लस है, ठीक है, जो कि अब मैंने इसको सेल कर देना है, और क्योंकि ये हीटअप काफ़ी होने लग गया है, तो खैर अब जो भी आएगा नया देखेंगे कौन सा आता है कौन सा नहीं, उसका साउंड कैसा होता है, लेट्स सी। फिलहाल तो अभी यही वाला ही है, तो अब हम करते हैं क्रमलिंग, क्रमलिंग करके देन आपसे मिलते हैं। स्टे कनेक्ट विद मी जनाब, वेलकम बैक। अभी ना मैं वीडियो ये वाली रिकॉर्ड कर रही थी तो नीचे ज़रा ना काम शाम करने लग गए हैं लोग, हमारे पापा लोग, भाई लोग, ठीक है। तो मैंने फिर साथ ही साथ मस्जिद में भी पढ़ाई हो रही है, तो मैंने कहा चलो साथ ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये अद्धी वीडियो हुई थी ये वाली, ठीक है। तो क्यों ना आप लोगों के सामने थोड़ी सी इसकी ना क्रमलिंग करते हैं। अभी ये ड्राई क्रमलिंग की थी, अब मैंने क्ले पॉट क्रमलिंग करनी थी। ठीक है, ये देखें ना नीचे आवाज़ें आपको आ रही होंगी, नीचे बातें शातें हो रही हैं, थोड़ी सी इधर क्रमलिंग करते हैं, ये देखें। अच्छा मैं आप लोगों को क्ले पॉट में क्रमलिंग करके दिखाती हूँ, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इसमें ही चला जाएगा। कितना फ्लफी है यार, मज़ेदार, ठीक है। अभी ये नीचे वो वाला काटते हैं, वाला काट, अच्छा ये वाला बेचारा मुझे ना आधा मैंने मम्मा के लिए छोड़ा था, मम्मा ने अभी तक व्लॉग नहीं बनाया, तो अब ये फिर मैं क्रम्बल कर लेती हूँ। यार टेक्सचर है यार, पाम्ब टेक्सचर जिसको कहते हैं ना,
चाहिए। अब धूप निकल आई है, बस मैंने ये आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद नीचे चली जाऊंगी, नाश्ता वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना टेक्सचर पड़ा हुआ है मेरा चारकोल एशीज वाला। मेरा मुझे ना एक कमेंट आया तो आज सुबह उनको देखा ना, उनके कमेंट ये था कि मैं आपको दोबारा मैसेज नहीं करूँगी, बस आप मुझे बता दें कि चारकोल एशीज जो है ना उसमें मैंने सीमेंट डाला था शायद, ठीक है, चारकोल एशीज में मैंने सीमेंट डाला तो वो हार्ड हो गया, अब उसको क्रश कर लिया, तो अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा उसको नॉर्मल जो है ना शेप्स बनाकर देखें, ठीक है। आप लोगों के सामने ये मेरा चारकोल एशीज कितना हार्ड था, मैंने इसको कैसे सॉफ्ट किया, अब ये देखें ये चारकोल एशीज है, वाइट चारकोल एशीज है, चारकोल ही वाइट एशीज, प्योर एशीज जिसको कहते हैं, इसमें सीमेंट नहीं है ना होने के बराबर है। अच्छा मेरी न्यू सब्सक्राइबर है आमिना, आई थिंक तो हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल पर है, तो वेलकम टू माय चैनल। नादिया करके ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो कह रही है आप मेरा नाम नहीं लेती, तो नादिया मैंने ना दो तीन दफ़ा आपका नाम याद किया लेकिन मैं भूल जाती थी, नादिया सलीम के पता नहीं इस तरह असलम करके नाम कुछ है, निदा इस तरह करके, तो अब याद आया मुझे। बाकी इसका नीचे घुस गया है, मैंने ना बारिश के बचाव के लिए ना इसको इसमें डाल दिया था, इसको ना हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से क्रम्बल करेंगे, ये देखें ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रीटी टेक्सचर की क्रम्बलिंग कर देते हैं, जो जेस ने भी कहा है ब्लैक ग्रेनी टेक्सचर की ना, यहाँ से भी कर लेते हैं और वहाँ से आगे से भी जाके कर लेंगे, ठीक है। यार इसकी डस्ट इतनी मेरे सांस में जा रही है ना आजकल, हालांकि कितना मुंह कवर किया था मैंने। अच्छा पाम क्रशिंग वो भी किस टेक्सचर की, ग्रीटी टेक्सचर की जनाब, मेरे हाथों से ना वज वज के ना मेरे आगे हाथ आधे हो गए हैं घिस घिस के, ठीक है। ये ना ये है जी डर्ट। अच्छा हिफ्ज़ा इमरान, हिफ्ज़ा इमरान की रिक्वेस्ट है कि ब्लैक डर्ट की क्रम्बलिंग मेरे लिए करते हैं, इतनी देर की वो बेचारी कह रही है ना। चलो
ब्लैक सैंड की भी करती। अभी मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं ज़्यादा की क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर है फ्लोर पे, ठीक है, ऊपर ऊपर कर सकती हूँ बस नीचे नहीं कर सकती। अगे मैं बड़िया गल्ला हो रही हैं कि अजकल तुम क्रमलिंग